चीज से अभी बीमारी कैसे मतलब बढ़ रहा है इसके बारे में मतलब डॉक्टर जब जाइएगा तो मतलब ये चीज़ ही बताएगा आपको, मतलब मलेरिया हो जाए चाहे बुखार हो जाए चाहे कोई भी मतलब बीमारी हो जाए तो आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा कि मतलब हो ही कैसे है। आपको हो गया है तो मतलब आपको दवाई दे देगा, बस उतने उसको काम है। लेकिन हम बताएंगे कि बीमारी कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले मतलब हवा के बात कर रहे हैं, हवा, पानी और भोजन, ये तीनों चीज और हो चुका है। कैसे पता चलेगा कि इससे पहले के मतलब हवा मतलब पहले के आदमी जो जा रहे थे मतलब सूद ले रहे थे, कैसे पता चलेगा कि सूद ले रहे थे जिससे पहले के आदमी जो थे मतलब पैदल चल रहे थे, गाड़ी नहीं था इस तरीका से मतलब चल रहे थे, और मतलब गाड़ी नहीं था तो जिससे धुआं नहीं निकल रहा था, डस्ट जो होता है डस्ट मतलब हम लोग का शरीर में जाता है, जो गाड़ी से जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उससे मतलब हम लोग के मतलब धुआं अगर वजह पड़ी नज़दीक से अगर ना छटा देंगे तो हम लोग के जान भी जा सकता है, लेकिन उड़ रहा है तो धीरे धीरे के पूरा मिल रहा है प्रदूषण, तो उसी की वजह से मतलब अभी के समय में बताया जाए कि मतलब हवा भी सही नहीं है। पहले मतलब पैदल चल रहे थे, पहले के जो दादा लोग थे जो पुरानी आदमी जो बाबा दादा लोग थे वो सब मतलब पैदल चल रहे थे, शादी ब्याह भी हो रहा था तो मतलब पैदल चल रहे थे और घोड़ा से जा रहे थे और उधर से दुल्हन आ रही थी तो पलटी से इस तरीका से मतलब आ रहे थे। लेकिन पूरा मतलब अभी जहाँ हो चुका है। पानी की बात किया जाए तो अभी मतलब पहले के समय में जो आदमी घोड़ा गाड़ी के पानी पी रहे थे जिससे कुआ के अभी नहीं पी सकते हैं क्योंकि पहले के पानी बह रहा था बढ़िया एकदम शुद्ध रह रहा था, लेकिन अभी बताया जाए कि मतलब ये पानी बह नहीं रहा है एकदम पूरा एकदम जमल है, जमल है पूरा सड़ रहा है और इसी के वजह से मतलब पूरा गंदगी हो चुका है और अभी फैक्ट्री भी लगल है तो पूरा पानी एकदम गंदगी हो चुका है। अभी मतलब कोई नहीं पी सकता है सब नदी कुआ में का पानी, अभी अगर पानी ऐसे पी लीजिएगा तो पूरा सर्दी सब पकड़ लेगा, जल्दी पकड़ लेगा, बुखार पकड़ लेगा, लेकिन अगर ये सब पानी अगर सही जाता है तो बोतल वाला नहीं दिखता है, यहाँ से एकदम पूरा साबित होता है कि पानी भी जहर हो चुका है पूरा। और भोजन के बात किया जाए तो पहले के समय में मतलब जो पैदा कर रहे थे तो मतलब खाद नहीं था जिसे गोबर ये सब से मतलब करते थे पैदा करते थे, लेकिन अभी के समय में कोई भी फसल है कोई भी मतलब साग सब्जी कोई चीज़ हो गया मकई हो गया चाहे गेहूँ हो गया चाहे धान हो गया कोई चीज़ मतलब है उसमें पूरा एकदम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि पहले के समय में जो एक कट्ठा में मतलब 10 किलो हो रहा था पैदा ओकरा में डायरेक्ट इतना खाद केमिकल मार दे रहे हैं कि पूरा एक क्विंटल हो जा रहा है, तो यहाँ से पता चलता है कि एकदम पूरा मतलब ये भी हम लोग जो खा रहे हैं ये भी जहर हो चुका है पूरा। पानी और हवा भोजन की बात की जाए पूरा जहर हो चुका है, लेकिन ये सब हम लोग ले रहे हैं तो पूरा कहाँ जा रहा है पेट में जा रहा है, जहर जा रहा है पेट में, पेट में पूरा जा रहा है, तो यहाँ जाएगा तो पूरा मतलब सड़ेगा मरेगा तो यह से मतलब भूख को मार देगा पूरा एकदम इस तरीका से मतलब भूख नहीं लगेगा तो पेट पेट पूरा एकदम जाम कर देगा, यहीं से मतलब जाम कर देगा तो भूख नहीं लगेगा तो कब बना देगा कब कब भी बना देगा, उसके बाद फिर वो वहाँ पर भी नहीं कंट्रोल करेगा जिसे गैस बनाएगा तो सबसे पहले गैस बनाएगा, गैस के बाद कब्ज बनाएगा, कब्ज बनाएगा उसके बाद फिर उस पर भी नहीं ध्यान देगा तो यहाँ से फिर शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर या तो मतलब वासी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो में से कोई में हो जाएगा शुगर,
शुगर और नहीं तो फिर यहाँ से भी मतलब कैंसर हो जाएगा। कैंसर ये सब मतलब हम लोग के जो मतलब बीमारी होने का जड़ है सबसे पहले यहाँ गैस है। गैस से मतलब हम लोग का जो बड़ा बीमारी जितना है सब पकड़ रहा है गैस के वजह से। तो गैस पर हम लोग के कंट्रोल करना है। गैस अगर कंट्रोल हो जाएगा तो ये सब बड़ा बीमारी नहीं होगा। तो जितना अगर हम लोग ले रहे हैं ये सब हवा पानी भोजन के माध्यम से ये सब हम लोग के पेट में जा रहा है। पेट में अगर एक बार में मतलब जाएगा तब भी क्या है बूंद बूंद जिसे बोलते हैं कि धारा के अगर एक बार में भर दीजिए एक बाल्टी ला के चाहे तो मतलब बूंद बूंद करके भर दीजिए। ये तो भरना निश्चित है कि इसी तरीके से मतलब हम लोग शरीर है शरीर में पूरा गंदगी जाता है तो गैस बनाता है। गैस के बाद कब्ज बनाएगा कब्ज के बाद शुगर बनाएगा शुगर या तो बवासीर बनाएगा कैंसर बनाएगा। यहीं से हम लोग का पता चलता है कि मतलब बड़ा बड़ा बीमारी हो रहा है। तो इस सबसे बचने के लिए हम लोग के पास मतलब कोई के पास जाइए तो डॉक्टर का ये सब मतलब ठीक कर देगा नहीं करेगा। मतलब हम लोग को शरीर में गंदगी है तो गंदगी निकालने के लिए डॉक्टर नहीं दवाई देगा। वो बोलेगा कि आपको मतलब कुछ बीमारी हो जाए वो बताइए हम आपको दवाई दे दे रहे हैं लेकिन आपको शरीर में जो गंदगी है ये हमको पास संभव नहीं है। इस तरीके से डॉक्टर बोल देगा। लेकिन जड़ी बूटी पर भरोसा करते होंगे तो जड़ी बूटी भी खाने से का मतलब शरीर से गंदगी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। जिसे जब से पैदा हुआ है तब से सब सब आदमी तो खाइए जा रहा है। जैसे हल्दी हो गया ये सब जितना सब्जी में डाल खाते हैं सब खाते हैं लेकिन गंदगी नहीं निकला शरीर से। तो गंदगी निकालने के लिए हम लोग के पास एक है जो बोलते हैं गेनोडर्मा। गेनोडर्मा है वो हम लोग का शरीर से गंदगी निकालता है। ये हम लोग के पास गंदगी निकालने के लिए मतलब यहाँ को कोशिका से गंदगी मतलब निकालने की क्षमता रहता है। जड़ी बूटी के महाराजा है गेनोडर्मा। गेनोडर्मा ये जड़ी बूटी के महाराजा है। कैसे पता चलेगा जिसे जंगल के राजा कौन है शेर है। तो शेर में जिसे हाथी भी उससे बड़ा है लेकिन उसको राजा क्यों नहीं माना गया। जिसे छल कपट सब कुछ मतलब शेर में पाया गया है। जितना भी जानवर है सबका मतलब गुण सबका मतलब क्वालिटी सबका मतलब छल कपट जितना रहता है सब उसके पास जो शेर है उसमें पाया गया है। उसी तरीका से ये जड़ी बूटी के महाराजा है गेनोडर्मा। ये हम लोग का मतलब जितना जड़ी बूटी है सबसे मतलब ऊपर क्वालिटी के मतलब गेनोडर्मा ये जड़ी बूटी के महाराजा है। हम भी बता रहे हैं गूगल बताता है। गूगल में टाइप करिएगा तो पता चल जाएगा किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट मतलब लिख के अभी गूगल में सर्च करिएगा तो मतलब लिख देगा कि हाँ गेनोडर्मा रेसी मशरूम लिख देगा। वहाँ से मतलब पता चलेगा कि हाँ जड़ी बूटी के महाराजा है। ये हम नहीं बता रहे हैं गेनोडर्मा के बताने वाला गूगल है। गूगल पर सब कोई विश्वास करता है। जैसे कि गूगल से पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है तो डायरेक्ट बताता है। उसी तरीका से मतलब पता चलता है कि गूगल पर ढूंढने को होता है। तो यहाँ से हम लोग का पता चलता है कि जड़ी बूटी के महाराजा है। तो एक काम कैसे करता है जिसे हम लोग शरीर में खाएंगे तो काम कैसे करता है। जिसे हम लोग का जिसे दिमाग के संतुलन में रखता है और शरीर से गंदगी को निकलता है। तो गंदगी निकलता है तो जिसे गंदगी के वजह से तो गैस कब्जियत जितना ये सब हुई है गंदगी के वजह से गंदगी निकलता है और दिमाग को संतुलन में रखता है और जिसे बड़ा बड़ा बीमारी होने नहीं देगा। इसको मतलब रेगुलर इस्तेमाल करने से मतलब बड़ा बड़ा बीमारी नहीं होता है। जिससे पता चल रहा है कि बड़ा बड़ा बीमारी नहीं होता है। तो हम लोग का जड़ी बूटी के महाराजा है और ये चाह पत्ती में मिलावल गिर है गेनोडर्मा। चाह पत्ती में मिलावल गिर है यहाँ देखिए गेनोडर्मा छापल गिर है।
और यही मतलब जो डॉक्टर डॉटोलिन जो है वो मतलब साइंटिस्ट है, 10 साल रिसर्च किया के बाद मतलब ये गेनोडर्मा के बारे में ताकत पता चला कि मतलब हर आदमी के मतलब ये खाना जरूरी है, इसे इसको पीना जरूरी है। अगर सब कोशिके से बना है, कोशिके पर गंदगी जा रहा है, गंदगी अगर सब आदमी के निकलेगा नहीं तो मतलब आदमी स्वस्थ नहीं जा सकता है। कोई भी आदमी पिए खाने के लिए मतलब गूगल पर सबसे पहले सर्च करेगा कि मतलब स्वस्थ रहने के लिए काची मतलब ऐसा खाएं कि मतलब स्वस्थ रहेंगे, तो जैसे ही मतलब सर्च करेंगे तो ये आएगा गेरोडर्मा, या गेरोडर्मा इसमें छापन भी है, इसमें साइंटिस्ट जो रिसर्च करके डाले हैं इसमें चार चार के माध्यम से मतलब गेरोडर्मा ले रहे हैं, इससे इसमें चार है तो इसमें अच्छा क्वालिटी के चार है जो मार्केट में रहता है उससे हट के है, उसमें मतलब जो चाय रहता है वो मतलब पानी में डालने के बाद वो छलला जाता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी के चाय हमें डाल दी है, इसमें गेनोडर्मा डाल दी है और इसको मतलब छलाएगा नहीं, इसको डालने के बाद पूरा एकदम नीचे बैठ जाता है, पूरा एकदम बताया गया है कि मतलब रिसर्च करके मतलब अच्छा क्वालिटी के चाय हमें गेनोडर्मा की मिलावट की है, इसको मतलब पीने से का काम नहीं दे सकता है, जिसे आपको गैस जो बना रहा है गैस गैस में पूरा काम करेगा, गैस अगर ठीक हो जाएगा तो एक कब ठीक हो जाएगा, शुगर ये सब कैंसर ये सब जो होता है ये सब मतलब गैस की वजह से होता है, हम गैसे के मार के अगर भरा देते हैं तो बड़ा बड़ा बीमारी भी होगा, तो हम लोग का एकदम इसी बात होता है कि गैसे से मतलब बड़ा बड़ा बीमारी हो रहा है, तो चापाती का हम लोग का काम है जो मतलब बड़ा बड़ा बीमारी जो हो रहा है ये मतलब पूरा शरीर के मतलब सर्विसिंग करता है, और हम लोग के पास स्पोरिना है, स्पोरिना मतलब है जिसे पूरा मतलब नेचुरल भोजन है, जिसे शरीर के जो ताकत ऊर्जा विटामिन जो चाहिए वो मतलब इसमें खान है स्पारुलिना। ये स्पारुलिना की काफी काम है जिसे कि पूरा नेचुरल एकदम भोजन है, जिसे इसमें बताया गया है कि मतलब जो शरीर के विटामिन चाहिए जो मिनरल्स चाहिए वो मतलब पूरा नेचुरल इसमें भरा मिल है, इसे आपको मतलब जो शरीर के हड्डी के कैल्शियम चाहिए एकदम कैल्शियम पूरा नेचुरल रूप से भरल है, आँख के विटामिन चाहिए पूरा एकदम भरल है, और मतलब जो शरीर के विटामिन चाहिए उसमें पूरा भरल है, और मतलब इसको बताया गया है कि ब्लड बनाने के लिए मशीन है, इसे ब्लड बनाने के लिए 5 तत्व चाहिए, क्लोरोफिल आयरन विटामिन B12 और एमिनो एसिड, इस तरीका से मतलब 5 तत्व होता है, उसी तरीका से मतलब जब तक से 5 नहीं रहेगा तब तक से ब्लड नहीं बनेगा, और मार्केट में बताया जाए तो सब चीज़ के मतलब कोई के मतलब कैप्सूल मिलेगा, कोई के मतलब पूरा ताकत के शीशी मिलेगा, इस तरीका से मतलब मिलेगा, और कोई मतलब डॉक्टर ऐसा बताएंगे कि मतलब हरा साग सब्जी खाइए तो उसमें विटामिन मिलेगा, और सेब खाने से मतलब ए वो विटामिन मिलता है, खाली ए विटामिन खाली मिलता है सेब में, लेकिन ये स्पोलिना में पूरा मतलब भरा मिलेगा, जिससे बताते हैं कि जो बनाए हैं डॉक्टर डॉटोलिन बताते हैं कि इसमें 6 कैप्सूल जो है टैबलेट है इसमें विटामिन पाउडर है 33 किलो सेब के बराबर, 33 किलो सेब के बराबर इसमें 6 टैबलेट में विटामिन है, जिसे 33 किलो सेब अगर लेने जाते हैं तो अगर 100 रुपया किलो पर भी मिलेगा तो मतलब 3300 रुपया हो जाएगा, लेकिन इसमें मतलब 3000 रुपया मतलब उधर 3000 रुपया तो लग जाएगा, लेकिन उसको मतलब 3000 के लिए के खा नहीं सकते हैं, 33 किलो सेब खा कर पचा नहीं सकते हैं, लेकिन ये स्पोलिना 33 किलो छोड़िए 6 टैबलेट आराम से खाइए और 33 किलो सेब के बराबर विटामिन मिल जाएगा, इस तरीका से हमारा मतलब ये स्पोलिना के काम करता है, और ये स्पोलिना मतलब का काम रिजल्ट देगा, जैसे थकान कमजोरी आलस सुस्ती घबराहट और बेचैनी और चक्कर आ रहा है उल्टी आ रहा है
ये सब मतलब खून के कमी से होता है। ये खून के कमी से ये सब मतलब प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये सब मतलब जितना प्रॉब्लम थकान कमजोरी है ये सब पूरा एकदम ये स्पोलिना में पूरा विटामिन है, इसको खाने से पूरा विटामिन मिल रहा है। तो ये साबुन है डिएक्शन का, तो ये काम कैसे करता है, जिससे आपको मतलब आँख में छाई हो गया, मुहासा हो गया, दिना हो गया, खाज हो गया, खजी हो गया, मतलब कोई मतलब इस तरीका से मतलब चेहरा जो खराब हो जाता है। और मार्केट से जो क्रीम लगाते हैं तो उसको मतलब लगाने के बाद मतलब कुछ दिन तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही मतलब ज़्यादा दिन होता है तो आँख मुँह में खुसरा खुसरी मतलब पूरा चेहरा खराब कर रहता है। लेकिन ये हम लोग का जो साबुन है ये साबुन है पूरा नेचुरल है, जिसे एकदम जो गिरा खजली है वो सब एकदम पूरा एकदम अच्छा से काम करता है। जिसे हम लोग का जो मतलब क्रीम वो बाहरी से लगाते हैं वो मतलब पूरा चेहरा खराब करता है, लेकिन इसको लगाने से मतलब जितने मतलब धूप में जाएंगे और जितने मतलब ज़्यादा दिन होगा तो चेहरा खराब नहीं करेगा, पूरा एकदम चमक दे रहा। लगाने के बाद इसको मतलब पूरा नेचुरल एकदम चमक आएगा। वो सब लगाने के बाद अगर पोछ दीजिएगा तो मतलब पूरा एकदम चेहरा खराब हो जाएगा, लेकिन इसको जितने पोछिएगा उतने मतलब चेहरा पर लाइट देगा। और मतलब शरीर से जो आँख मुँह में जो गंदगी है गंदगी निकल रहा है, जैसे कांचा जो डाब जो पीते हैं नारियल कांचा नारियल के मतलब इसमें कांचा नारियल से बनावल गया है, इसमें साथ में गेनो डरमा मिलावल गया है। और जो कांचा जो नारियल से बना लिया वो मतलब हम लोग के शरीर जो अंदर मतलब छिद्र के खोलने काम करता है, गेनो डरमा फिर जाता है पूरा काम करता है, पूरा गंदगी के निकलता है, गंदगी निकलता है तो जिससे हम लोग को चेहरा वो मतलब एक वो खुसरा खुसरी निकल रहा है, उससे हड़बड़ान नहीं है, वो गंदगी निकल रहा है। गंदगी निकल गया के बाद मतलब फिर पूरा नेचुरल चमक आ जाएगा, फिर से पूरा एकदम मस्त कर देगा। ये साबुन का काम था। और स्पाइसी है, स्पाइसी मतलब जिसे लहर मार दिया चाहे मतलब ज़्यादा गैस बना दे है, और खाना जिसे नहीं पच रहा है ज़्यादा मतलब पेट भारी भर से लग रहा है तो मतलब खाना नहीं पच रहा है, तो ये मतलब फर्स्ट काम करता है। इसे ऊंचा था तो वो मतलब थोड़ा मतलब लेट से काम करेगा, जिसे 15-20 दिन किया तो रिजल्ट देगा, लेकिन तुरंत रिजल्ट देगा, मतलब लुक लहर चाहे बुखार लग रहा है चाहे शरीर में मतलब हल्का फुल्का मतलब गैस पूरा काम करता है, लेकिन हल्का फुल्का दर्द है तो इसको पीने से मतलब अच्छा रहेगा। ये चाय का काम है। और हम लोग नारियल के तेल है, डिएक्शन नारियल तेल है, इसको पीने से मतलब हम लोग के मतलब ये ऐसा एक तेल है कि मतलब इसको पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसको पीने से मतलब बताओ नहीं कि जो हार्ट के जो समस्या जो होता है बीमारी होता है तो इसको रेगुलर पीने से मतलब हार्ट के समस्या नहीं होगा, और इसको पीने से मतलब हार्ट के समस्या नहीं होगा, और मतलब तुरंत मतलब शरीर के एनर्जी देता है। और मतलब इसको मतलब बाद में लगाइएगा तो पूरा मतलब जो रूसी है ये सब मतलब थोड़ा मतलब जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा, बाल मतलब बढ़िया रहेगा, मतलब हाली पाकेगा नहीं, पूरा मजबूत में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मतलब नारियल के तेल के मतलब खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इसको ये काम है। और एक है कोकोजी जिसे बच्चा लोग तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखिएगा कि मास्टर लोग बहुत बताते हैं लेकिन कितना बच्चा लोग याद कर लेता है और कितना याद नहीं कर पाता है, लेकिन बता रहे हैं तो सब के तो उतने बता रहे हैं, लेकिन कितना सीख के आते हैं कितना नहीं सीख के आते। तो एक कोको जी है जिसे इसको पीने से मतलब जो याद नहीं रखते हैं वो मतलब याद जिसे
इससे मतलब दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होगा तो मतलब याद होने लगेगा, मतलब आदाश को मतलब फर्स्ट करता है इसको पीने से। इसको मैं एक कोकोआ नाम का फल है वो मतलब इसमें डाल ही लिया, साथ में गेनोडर्मा डाल के बना लिए कोको जी। और कोको जी पीने से मतलब पूरा 6 महीना जौन बच्चा पी लेगा उसको मतलब आदाश पूरा मतलब एकदम मजबूत हो जाएगा। कोको जी के ये काम है। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का प्रोडक्ट इतना ही था, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बता दिए। गुड मॉर्निंग।